Assalamualaikum ji. So congratulations to Hassan Sayed Saab and Idea Gist, Startup Pakistan और वो सारी यूनिवर्सिटीज़ जो इस प्रोसेस में शामिल थी. मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हम कहते हैं कि आजकल प्रमोट कर रहे हैं, आइडिया जिस्ट भी प्रमोट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है. सो एंटरप्रेन्योरशिप से पहले एक और चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी एरिया में काम कर रहे हैं, स्किल डेवलप करें, अपनी अपनी नॉलेज डेवलप. जब तक आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं होंगे तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते. आप अगर एक अच्छे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं होंगे तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते. एंटरप्रेन्योर जो अपनी स्किल के ऊपर बिल्ड करता है, एक एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबके लिए ये है कि एंटरप्रेन्योर का काम है वैल्यू क्रिएट करना. और वो वैल्यू क्रिएट करने का मतलब ये है, जिससे सभी इम्तियाज साहब ने कहा है कि एक ग्लास है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा डिजाइन कर दें तो दैट्स आल्सो वैल्यू क्रिएशन. सो आपने देखना ये है कि आपकी सोसाइटी में वो क्या चीजें हैं जिनकी लोगों को जरूरत है और उसके अंदर आप किस तरह से वैल्यू डाल सकते हैं. और अगर आप अपने अंदर एम्पथी बिल्ड कर लें, एम्पथी का मतलब ये होता है कि दूसरे की नीड्स को और फीलिंग्स को समझना. सो अगर आप अपने अंदर एम्पथी बिल्ड कर लें तो यू कैन ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स. और इसके लिए आपको बेसिकली लोगों से, अपने कस्टमर से, अमेजोन में वो वर्ड यूज करते हैं कस्टमर ऑब्सेशन. सो आपको अपने कस्टमर के साथ ऑब्सेसिवली प्यार करने की जरूरत है. आपको सोचने की जरूरत है कि उनकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, वो क्या करना चाहते हैं और उनकी नीड्स क्या हैं, उनको और उनकी जिंदगी को आप बेहतर कैसे कर सकते हैं. जब आप इस पर्सपेक्टिव से जाएंगे तो चाहे आप बन कबाब का ठेला लगा लें, चाहे आप एक इंटरनेट की ई कॉमर्स कंपनी बना लें, चाहे आप एजुकेशन में कोई काम कर लें, हेल्थ के अंदर काम कर लें, आप एग्रीकल्चर में कोई काम कर लें, आप टूरिज्म में कोई काम कर लें, किसी भी एरिया में आप काम कर लें, जब आप अपने कस्टमर के ऊपर फोकस ले आएंगे और ये सोचेंगे कि उनकी ज़िंदगी आप कैसे बेहतर बना लें, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बाद में सोचें, अपने प्रोसेस के बारे में बाद में सोचें, सब चीज़ें बाद में आती हैं, सबसे पहले आपका कस्टमर आता है. और ज़्यादातर लोग जो नाकाम होते हैं अपने कारोबार के अंदर, उसके अंदर बेसिकली उनका फोकस अपने कस्टमर से हट गया होता है, या तो शुरू से नहीं होता तो वो कामयाब ही नहीं होते. तो एनीवेज, थैंक यू सो मच, गुड लक टू एवरीवन.